हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई नो कि आप सभी जानते होंगे कि ये एक आईब्रो पेंसिल है, एंड ये आईब्रो पेंसिल है इंग्लिश क्लियर की आईब्रो पेंसिल। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप इस आईब्रो पेंसिल को यूज़ करके अपने आईब्रोज को फिल कर सकते हैं लाइक अ प्रो। सो डिटेल्स में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें, एंड उससे पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड उसके बाद जो बेल बटन है उसे भी जरूर हिट कर लें। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस, ये है मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल, प्राइस है जस्ट 65 रुपीज़। मेरा शेड है डार्क ब्राउन। सो इसके साथ एक कैप आता है, एंड कैप के साथ ब्रश अटैच होकर आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। सो इस ब्रश की हेल्प से पहले मैं अपनी आईब्रोज को इस तरीके से अपवर्ड सेक्शन अपवर्ड स्ट्रोक्स में कॉम कर लूँगी, एंड इसके बाद अपवर्ड स्ट्रोक्स में फ्रंट पोर्शन से इस तरीके से लाइटली, बिल्कुल लाइटली मैंने अपने आईब्रोज को फिल कर लिया है यहाँ पे। एंड इसी तरीके से आईब्रोज को फिल करना है बिल्कुल लाइटली अगर आप नेचुरल वाला लुक चाहते हैं, जिस तरफ से हेयर ग्रोथ है उस तरफ से आईब्रोज को फिल करना है। एंड उसके बाद अगेन मैंने जो ब्रश आता है उसके हेल्प से आईब्रो को थोड़ा सा कॉम कर लिया है ताकि जो क्रीम प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए। इसके बाद मैंने अप्लाई कर लिया है कंसीलर डायरेक्टली, एंड आप चाहे तो आप इस तरीके की एक ब्रश की हेल्प से कंसीलर को अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद ब्लेंड कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास कभी भी कंसीलर नहीं है देन आप अपना जो फाउंडेशन है उसको भी लिटिल अमाउंट में अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द आईब्रो लुक, एंड ये काफ़ी नेचुरल दिखने वाला आईब्रो लुक है। सो ये हो गया मेरा फर्स्ट आईब्रो लुक जो कि बिल्कुल नेचुरल था। एंड मेरा जो सेकंड आईब्रो लुक है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस आईब्रो लुक में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी बिल्कुल स्लिम दिखने वाली आईब्रो को थिक दिखा सकते हैं। सो इस तरीके से आईब्रो को पहले कॉम कर लेना है, एंड उसके बाद नीचे एंड ऊपर फ्रंट पोर्शन को थोड़ा सा छोड़ के इस तरीके से आउटर लाइन कर लेना है। उसके बाद आर्च शेप से एंड बिल्कुल मिडिल वाले पोर्शन में इस तरीके से फिल कर लेना है। एंड उसके बाद फ्रंट पोर्शन में आके बिल्कुल लाइटली आईब्रो को थोड़ा सा अपर स्ट्रोक्स में फिल कर लेना है, एंड ऊपर भी थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ करके फिल कर लेना है इस तरीके से। एंड उसके बाद अगेन कॉम कर लेना है ब्रश की हेल्प से आईब्रो को। एंड अगेन मैंने अप्लाई कर लिया है कंसीलर एक ब्रश की हेल्प से, एंड ये है एक कंसीलर ब्रश। सो इसके हेल्प से आईब्रो सॉरी कंसीलर को अप्लाई करके इस तरीके से ब्लेंड कर लेना है ताकि सब कुछ इवन दिखे एंड नेचुरल दिखे। एंड थोड़ा सा फिंगर की हेल्प से मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर लिया है, एंड आईब्रो के ऊपर भी इस तरीके से ब्लेंड कर अप्लाई एंड ब्लेंड कर लेना है कंसीलर को। एंड यहाँ पे आप मेरी दोनों आईब्रोज में डिफरेंस देख सकते होंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड डू लेट मी नो योर कमेंट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।